सो फाइनली गाइज, यूपी में वृद्धा पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में यहाँ पर इस बार वृद्धा पेंशन जो है 1500 से बढ़ा करके दुगनी कर दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे कि धनराशि 3000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल रियल है। इसे आप अपने मोबाइल से या फिर पीसी लैपटॉप के थ्रू भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में आया या नहीं। तो चलिए, पूरा वीडियो जो है आपको इस प्रोसेस को बताते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। साथ ही दोस्तों, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आप अपने मोबाइल या फिर पीसी का क्रोम ब्राउजर यहां पर ओपन कर लें। फाइनल दोस्तों, अगर आपने यहां पर यूपी वृद्धा पेंशन किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसका वीडियो नहीं देखा, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आई बटन पर मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करने का। सो दोस्तों, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्रोम ब्राउजर में आना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देना है यूपी स्पेस पेंशन करके। उसके बाद आपको इसे सर्च करते ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहला लिंक मिल जाएगा इस तरीके से SSPY/UP.GOV.IN। अब डायरेक्टली आपको जो है इसी ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। दोस्तों, अगर आप यहां अन्य स्टेट के देखना चाहते हैं तो आप पेंशन लिख करके अपने स्टेट का नाम लिख देंगे तो डायरेक्टली उसका भी वेबसाइट आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर इसे आपको डेस्कटॉप साइड मोड पर करते रहना है बार बार, ताकि आपको यहाँ पर ये अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यू हो। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस तरीके पर जाने के बाद ऊपर तक स्क्रॉल करते जाएँ। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको वृद्धा अवस्था पेंशन का एक आइकॉन देखने को मिल जाएगा। ऊपर तक स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन और यहाँ पे दिव्यांग पेंशन का भी दिया गया है। यहाँ से आप जो है पोर्टल की मदद से इन तीनों का जो है आप ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वृद्धा अवस्था पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले वृद्धा अवस्था पेंशन वाले आइकॉन में आएंगे, नीचे योजना के विषय में क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है एक नया पेज देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन दिया गया है, जो कि वीडियो और जिला समाज कल्याण अधिकारी इसमें लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे आप पेंशनर सूची में, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा गया पेंशनर सूची 2021 और 22, ये न्यू लिस्ट है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों, अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते हैं, आपको झंझट लगता है, आपका काम नहीं होता है, तो यहाँ आप डायरेक्टली जो है चेक कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू कि आपका पेंशन आया है या फिर नहीं आया है। अब दोस्तों यहाँ पर उसका स्क्रॉल करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जनपद दिया गया है। सबसे पहले आप अपने जनपद सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे यूपी का यहाँ पर जनपद मौजूद है। तो आप जिस भी जनपद से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। पहले दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद आप एंटर करेंगे, उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपका ब्लॉक सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर विकास खंड आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका विकास खंड क्या लगता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अगर आप नगर क्षेत्र से हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर नीचे नगर का भी नाम दिया गया है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट कर लेने के पश्चात दोस्तों अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा। प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे आसानी से अपना नाम जो है चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ग्राम पंचायत दिया गया, आप अपने अपने यहाँ पर ग्राम पंचायत को अब आपको आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मैंने क्लिक कर दिया है ग्राम पंचायत पर। देन दोस्तों अब ग्राम पंचायत पर क्लिक कर दिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो है इस तरीके का नाम आ जाएगा ग्राम का, आपका यहाँ पे इस तरीके से जो भी ग्राम रहेगा उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और यहाँ पे क्वार्टर 3 और यहाँ पे क्वार्टर 4। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, वो भी जो कि ब्लिंक हो रहे हैं, यहाँ पर आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है नंबर ब्लू कलर का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये जो है लिस्ट क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसमें आप नाम चेक कर पाएंगे अपने पिछले जो चार किस्त आपके आए हुए हैं उसे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पिछली है और यहाँ पे देखिए 1500 रुपये की धनराशि दी गई है, पेमेंट रिलीज हो गई है। अब देखिए दोस्तों आपको जो 3000 रुपये की किस्त आ रही है उसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले जाएंगे थोड़ा सा बैक आने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 लिखा गया, आपको आना है क्वार्टर 4 में। और यहाँ पे देखिए आपको 0 0 दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पे 0 पर ही क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको 0 पर क्लिक कर देना है, थोड़े देर वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट ओपन होगी उसमें आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर 3000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की गई है आपके खाते में या फिर नहीं। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी वहाँ 0 दिखा रहा था, पर यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है और धनराशि यहाँ आप देखेंगे 3000 रुपये।
आपको ये फेक नहीं लगेगी और आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के भी थ्रू दोस्तों। और आपके यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो है 4 डिजिट दिया गया है और बैंक का नाम दिया गया है और ये धनराशि आप देख सकते हो दोस्तों 3,000 रुपये की किस्त। इस बार जितनी किस्त ट्रांसफ़र की गई है वो डबल आई है आप सभी की, इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 3,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन आप सभी की आ चुकी है, आप देखेंगे सभी का जो है 3,000 रुपये इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। और इसे आप इसमें आएंगे तो आपका जो है यहाँ पर इसमें जो है नाम और यहाँ पर रजिस्टर संख्या, पेंशनर का नाम और पिता का नाम सब कुछ आप देख पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आने वाली बड़ी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं।